किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैंडिडेट के लिए ये डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वो इस स्टेज पर गेस लगाए या ना, विशेष करके जब एमसीक्यू क्वेश्चन है और डिसीजन लेने में सबसे बड़ा फैक्ट वो है नेगेटिव मार्किंग। ये बिल्कुल ठीक है कि नेगेटिव मार्किंग को क्यों रखा जाता है, ताकि गेस वर्क कम हो सके, जिस कैंडिडेट के पास असली नॉलेज है वो सिलेक्ट हो सके। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि गेस लगाना चाहिए या नहीं, या कब गेस लगाना चाहिए, उसके मिनिमम 7 रूल्स इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसका फर्स्ट रूल है कि नेवर यूज गेस इन द बिगनिंग, मतलब आपने फर्स्ट राउंड या मिडल राउंड में गेस कभी नहीं लगाना। पिछले वीडियो में आपको पेपर कंप्लीट करने का एक रूल ये बताया गया था कि आपने हर हालत में निश्चित समय से पहले लास्ट क्वेश्चन पर पहुंचना है, और उसके लिए दो अप्रोचेस डिस्कस की गई थी। दोनों अप्रोचेस में राउंड वन है, इधर भी राउंड वन है। इस राउंड वन में आपने कभी भी गेस नहीं लगाना, वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको 100% या 90%+ आते हैं। अगर आपने थ्री फेज वाली अप्रोच यूज की है तो सेकेंड राउंड में भी आप गैस नहीं लगाओगे। आप अगर गैस लगाना है तो लास्ट स्टेज में इसका प्रयोग करोगे। एक और बात ऐड कर दूं कि ये जैसे 50-50 मिनट रखे हैं, ये फ्लेक्सिबल अप्रोच है। आप अपनी एबिलिटी या सिचुएशन के अनुसार इस टाइम को चेंज कर सकते हो। दूसरा रूल है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन। आप जनरल कैटेगरी के हो, ओबीसी के, एससी के हो, मेल फीमेल, ये कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन। और सेकंड है के कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो है, और सेकंड कट ऑफ आपकी कैटेगरी की कितनी जाती है उसको डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। तो ये रूल क्या हुआ, कट ऑफ स्टेज आपकी और रिजर्वेशन कैटेगरी, इसका इंटरेक्शन होगा। इसका मतलब है कि हर कैंडिडेट के लिए गैस लगाना है या नहीं लगाना है उसकी कैटेगरी और कट ऑफ पॉइंट पर निर्भर करेगा। अब यहाँ हर कैटेगरी का डिफरेंट केस डिस्कस होगा, ये है केस नंबर। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने हर केस में कम से कम दो कैटेगरी के बच्चों को रखा है जिनकी कट पॉइंट बिल्कुल नजदीक है। फॉर एग्जांपल, इसमें जनरल कैटेगरी के मेल और जनरल कैटेगरी के फीमेल, हाँ सिर्फ ये केस ऐसा है जिसमें ये थोड़ा डिफरेंस इनमें है, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ सबसे ज्यादा जाने की संभावना जनरल कैटेगरी के मेल स्टूडेंट्स की है, जो पिछले एग्जाम पटवारी के हुए हैं उनके बेस पर ये कट ऑफ लगभग 65 हो सकती है, लेकिन मेरे मुताबिक ये इससे आगे जा सकती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है। और इस बार आपको काफी टाइम कोविड की वजह से मिल गया तैयारी करने का, और यूट्यूब आपने काफी वॉच किया है, उस पर से भी काफी तैयारी की है, तो ये बढ़ने की संभावना ज्यादा। अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से मेल है, मान लीजिए वो 65 या थोड़ा इससे अबव कट ऑफ जा सकता है, तो वो एक कैंडिडेट है, उसने लास्ट राउंड में ये देख लिया कि उसने 100 क्वेश्चन किए हैं, 100 में से उसके 90 ठीक होंगे, ये इवैल्यूएशन उसने उस वक्त करनी है, और 10 उसके गलत हो सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस करके लगभग वो समझता है कि 87 पॉइंट उसके बन रहे हैं, 87 पॉइंट को परसेंटेज में ये कन्वर्ट किया गया है, 75% लगभग उसको लगता है कि उसके मार्क्स आ सकते हैं। तो इस कंडीशन में कभी भी उसको गैस लगाना ही नहीं चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए। पर कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि दिल है के मानता नहीं, तो अगर दिल नहीं मानता है तो उसको 1-2-3 से ज्यादा गैस वर्क नहीं लगाने चाहिए, पर यहां उसे सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है। दूसरा, अगर कोई जनरल कैटेगरी की फीमेल है, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ डाउन है, लगभग वो 60 या इससे वैसे नीचे रहने की संभावना है, तो मान लीजिए थर्ड राउंड में या लास्ट राउंड सेकंड में उसने अपनी एक्यूरेसी कैलकुलेट
की है, लगभग उसने अगर 72 जो बिल्कुल 60% बनते हैं तो वो भी एज पर है, वो भी अधिक से अधिक 1, 2, 3 से ज्यादा गैस एमसीक्यू नहीं लगाने चाहिए उनको। तीसरा केस ओबीसी मेल का है जो लगभग जनरल कैटेगरी के बिल्कुल बराबर है, इसकी एक्सपेक्टेड 64% बन रही है, मीन इसको लगभग 77 या 80 के करीब मार्क्स लेने पड़ेंगे। अगर थर्ड राउंड में आपको लगता है आपने इतने गेन कर लिए हैं, आप भी 1, 2, 3 से ज्यादा गैस वर्क ना लगाएं, मेरा सुजेशन है कोई भी गैस वर्क ना, अगर आप एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा आगे चल रहे हो तो। फोर्थ और फिफ्थ केस है जनरल कैटेगरी की फीमेल, जिसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग बनती है 56.7 और सेकेंड उनके बिल्कुल करीब है शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स, उनकी भी 56.7 बन रही है। इन कैंडिडेट्स को एक्सपेक्टेड मार्क्स चाहिए 68। मैं ये बता दूं, इसको फाइनल मत समझिए, ये एक अंदाजा है पिछले एग्जाम के बेस पर, और 68 पॉइंट इन दोनों को चाहिए, इन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, इनके 56.7% मार्क्स बनते हैं। अगर ये थर्ड रेंज में, थर्ड राउंड में, लास्ट राउंड में यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये भी 1, 2, 3 से ज्यादा गैस की ना सोच। छेवां और सातवां केस है फीमेल का, एससी एसटी फीमेल और एससी फीमेल, इनकी लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने की संभावना है 45 पर, इनकी भी 45 पर, और ये आप देख सकती हो कि ये मैंने मार्क्स और उनकी परसेंटेज निकाली है, आप इससे परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। पिछली बार इनको चाहिए थे सिलेक्शन के लिए 54 या 55 मार्क्स, जो कि 45% बनते हैं। अगर ये थर्ड राउंड में या सेकंड राउंड में जो भी इन्होंने अप्रोच लागू की है अपने पेपर कंप्लीट करने के लिए, अगर ये 54, 55, 56 के करीब हैं, यानी 45 से प्लस थोड़ा जा रहे हैं, तो इनको भी कोई गैस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट केस है एसटी मेल का, जो कि बनता है 53 पॉइंट, और ओबीसी फीमेल का, ये आप देख सकते हो पिछले कट ऑफ पॉइंट के बेस पर मैंने ये टेबल बनाया है, ये रहा 64 पर पिछली बार गई थी एसटी मेल की, और 65 पर लगभग गई थी ओबीसी फीमेल की। तो अगर इनको लगता है कि इन्होंने थर्ड राउंड में 65 गेन कर लिए हैं, 66, 67 इससे प्लस थोड़े गेन कर लिए हैं जो 54% बनते हैं, तो इनको रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी गैस वर्क नहीं लगाना चाहिए। और ये लास्ट दो केसेस हैं मेरे पास विडो, जो कि बहुत ज्यादा एलिजिबिलिटी के बिल्कुल नजदीक है 42%, और दिव्यांग जो है वो भी लगभग 42%, ये लगभग एज पर हैं, अगर इनकी 40% है, अगर 30 भी हैं तो इनके लिए, अगर ये इनसे ऊपर थोड़ा हैं इस परसेंटेज से, तो ये गैस बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अब अपनी कैटेगरी के मुताबिक गैस किसको गाना है उसका स्पष्ट है कि आप इस वीडियो में अपने रैंक और कैटेगरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखिए, अगर आप उसके थोड़ा सा नीचे हैं, फॉर एग्जांपल इसमें अगर ये 51 पॉइंट आपको चाहिए थे, तो आप 45, 46, 47 आपको लगता है कि आपके ठीक आंसर होंगे। याद रखना है ठीक का मतलब है नेगेटिव मार्किंग के 1/4.25 को डिडक्ट करके, तो आपको गैस वर्क थोड़ा लगाना चाहिए। तीसरा, जो कैंडिडेट अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ से बहुत ज्यादा डाउन है, उसके पास कोई और औजार नहीं है, उसको गैस वर्क लगाना ही चाहिए। गैस वर्क कैसे लगाना है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थर्ड रूल है अकॉर्डिंग टू क्लास ऑफ स्टूडेंट, मैंने जो आप कैंडिडेट्स हो उनको तीन वर्ग में डिवाइड किया है, ए, बी और सी, ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेपरेशन लेवल। ए कैटेगरी में वो कैंडिडेट रखे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रेपरेशन की है, वो कैसे पता चलेगा, आप दिन में किसी ने 10-10 घंटे भी दिए होंगे, 8 घंटे भी दिए होंगे, उसने मैक्सिमम सोर्सेज ऑफ नॉलेज किए हैं, यूट्यूब भी है, बुक्स भी है, टीचर से भी कंसल्ट किया है, और वो किसने पिछले कितने महीनों से कर रहे हैं, प्रेपरेशन कर रहे हैं, वो ए कैटेगरी में आएंगे। दूसरे जो उनसे कम है, खुद को उनको पता है, दूसरों से कंपेयर करते हैं, जो
एवरेज है उन्होंने टाइम दिया है, तीसरा जो लगभग बहुत कम या नहीं जिन्होंने तैयारी की प्रेपरेशन की, जो एक क्लास के बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं उन्होंने गेस वर्क कम से कम या नहीं प्रयोग करना, ये डिपेंड एक्चुअली करेगा कि उस वक्त आपकी सिचुएशन क्या है, आप कट पॉइंट के कितने नजदीक हो। फिर भी उनके लिए ये सुजेशन है जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रेपरेशन की है वो जीरो लेवल का गेस वर्क यूज करें। दूसरा बी क्लास के जो बच्चे हैं एवरेज प्रेपरेशन है, हाँ उनकी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, जो थिंकिंग है, कॉमन सेंस है, रैशनल एबिलिटी अगर ज्यादा है तो भी वो कट पॉइंट को लास्ट में देखेंगे पेपर से 10 या 15 या 20 मिनट पहले, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि गैस लगाना है या नहीं। सिंपल, अगर कट पॉइंट के बिल्कुल नजदीक हैं तो 1-2-3 से ज्यादा नहीं लगाएंगे, अगर वो काफी डाउन है जैसे 4-5-6-7-8 मार्क्स 10 मार्क्स तक, जितने ज्यादा डाउन हो उतनी आपकी गैस लगाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। जो सी क्लास के कैंडिडेट हैं अगर उनको लगता है वो कट पॉइंट के नजदीक हैं, फॉर एग्जांपल कई बार कैटेगरी आपकी जैसे पिछली बार कई स्टूडेंट्स की सिलेक्शन ही नहीं हुई, 21, 22, 23 मार्क्स पर रह गए, तो वो 40% या 30% मार्क्स ही गेन नहीं कर सके। ऐसी सिचुएशन में आप गेस वर्क लगा के अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छे से देखना होगा जिसमें बताऊंगा कि गेस कैसे कैसे लगाया जाता है। फोर्थ रूल है जो क्रिटिकल पॉइंट पर है, बॉर्डर लाइन पर है, कट ऑफ के बिल्कुल नजदीक है, उनको सिर्फ 2 ऑप्शन कन्फ्लिक्ट वाला गैस लगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये 2 ऑप्शन मुझे नहीं लग रही, आप क्रिटिकल हो, कन्फ्लिक्ट है कि या जे सी उत्तर है या डी उत्तर है, तो ऐसे केसेस में आप गैस लगा सकते हो। इस पर भी आप रीजनिंग अप्लाई करनी चाहिए कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दोनों में से ये देखो आपने कौन सा कोई सुना लगता है, इस पर गैस लगाने से पहले अगर लगता है कि ये वाला सुना लगता है या ये वाला सुना लगता है, जो भी सुना लगता है गैस लगा दो, क्योंकि सोलर सिस्टम की बात की गई है। सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में गैलेक्सी, कौन सी गैलेक्सी में हम रहते हैं, तो हम दूसरी गैलेक्सी की बात ज्यादा करेंगे या अपनी गैलेक्सी की बार बार बात करेंगे, आपके कानों में कौन सा शब्द पड़ा होगा, तो इस बेस पर आप रीजनिंग करके राइट आंसर पर पहुंच सकते हो। फिफ्थ है कि अगर आपको गैस वर्क लगाना है तो आप लॉजिकल या इंटेलेक्चुअल गैस को प्रेफर करोगे। फॉर एग्जांपल हम किसी भी एमसीक्यू आंसर कैसे देते हैं, फर्स्ट हम कोशिश करते हैं, जो फर्स्ट या सेकंड राउंड था जिसमें आपने खास करके फर्स्ट राउंड नॉलेज और लॉजिक का प्रयोग करके बिल्कुल 100% या 90% से प्लस आंसर तक पहुंचते हैं। सेकेंड है हम गैस लगाते हैं, गैस 2 प्रकार का हो सकता है, एक लॉजिकल गैस और इलॉजिकल गैस। आपको अगर लगाना है, प्रेफर करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, लॉजिकल गैस यूज कीजिए। सिक्स्थ पॉइंट है डोंट बी ग्रीडी, उसके 2-3 कारण है, एक तो नेगेटिव मार्किंग है, दूसरा है हार्ड कंपटीशन है, और वेरी हार्ड कंपटीशन में आपके 0.25 मार्क्स माइनस होते हैं। जब कोई मेरिट लिस्ट बनती है, जब कट ऑफ बनता है, आप किसी पिछली कोई भी मेरिट देख लीजिए, 0.25 पर आपको 50-50 कैंडिडेट लगभग मिल जाएंगे, 100-100 तक मिल जाएंगे। इसका मतलब ये बनता है कि अगर आप रॉन्ग गैस लगाते हो, जान लालच करते हो, तो आप एक क्वेश्चन को गलत करके 100 रैंक पीछे जा रहे हो, और सिलेक्शन के लिए क्योंकि लगभग 1150-1150 के करीब ये वैकेंसीज हैं, इतनी ज्यादा नहीं है, पॉपुलेशन बड़ी लार्ज है जो पार्टिसिपेंट्स एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने अपीयर होना है इस टेस्ट में, अगर आप लालच करोगे तो मारे जा रहे हो। इसीलिए कह रहा हूं कि ये कोशिश करो, अगर आप एज पर भी हो, एज से 1-2 पॉइंट आगे लगता है, तो 0 गैस वर्क प्रयोग करें, बिल्कुल नहीं। अगर आप नीचे हैं तो आपको गैस वर्क लगाना ही पड़ेगा, फिर आपके पास कोई चारा नहीं है, मरता क्या ना करता। सेवंथ रूल है रिस्क अकॉर्डिंग टू डोमेन। रिस्क क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो पीछे बात करके आए हो, आपका रैंक पीछे जाने की संभावना बनी रहे। डोमेन मीन एरिया ऑफ नॉलेज जो 7 आपको दिए गए हैं सिलेबस में। फॉर एग्जाम्पल आप वीक हो अगर मेंटल एबिलिटी में या क्वांटिटेटिव एबिलिटी में, तो ये डोमेन आपकी, इसमें आप 0 गैस ना लगाए, मतलब कोई गैस ना लगाए। जिस एरिया में आप कॉन्फिडेंट हो, फॉर एग्जांपल पंजाबी तो है ही है, आप सभी पंजाब के हो, 10th तक पढ़ी हुई है, फॉर एग्जांपल किसी ने आईसीटी उसका फील्ड है,
या उसने कुछ ऐसा किया है, या कंप्यूटर के साथ टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, कोई एक्सपीरियंस उसका ज़्यादा है, या एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस कई स्टूडेंट्स का ऑलरेडी है, वो रूरल एरिया में रह रहे हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, जो डोमेन आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस से ज़्यादा मैच करी है उसमें गैस लगाने के लिए प्रेफरेंस, उसमें गैस आप प्रेफर कर सकते हो, जिसमें आप वीक फील करते हो ऑलरेडी उसमें गैस कभी ना लगाएं। हाँ, ऑड सिचुएशन एक्सेप्शन हो सकती है कि जो आपको वीक एरिया था उसमें बाय चांस आपको उस क्वेश्चन में जो पूछा गया उसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत है, हाँ फिर आप वहां गैस लगा सकते हो। सो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि गैस हाईली डिपेंड अपॉन योर कैटेगरी, एंड जब आप एग्जाम दे रहे हो तो 20 मिनट पहले 15 मिनट पहले आप अपने आप को इवैल्यूएट करो कि मेरी कट पॉइंट से मैं कितना दूर हूं। अगर आप उससे आगे चल रहे हो तो 0 गैस, अगर आप उसके एज पर हो तो 1, 2, 3 गैस। वो गैस कैसे लगाने हैं आगे भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और जो पीछे चल रहे हैं नेचुरली उनको गैस का सहारा लेना पड़ेगा।